ये रिव्यू काफियों को चुभने वाला है क्योंकि इस सीरीज को आईएमडीबी के ऊपर 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। कोई ना यार, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना दर्द यहाँ पर आप बयां कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिच्छू का खेल वेब सीरीज के बारे में। मैंने ये पूरी सीरीज देखने के बाद मुझे अभी भी पता नहीं चला इसके अंदर बिच्छू कौन है और उसने क्या खेल खेला है। इसे ओल्ड बालाजी प्लस G5 पर रिलीज किया गया है और इसके अंदर टोटल 9 एपिसोड हैं। और इस सीरीज की सबसे कमाल की बात बताएं तुमको, जो हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इस सीरीज का हर एक एपिसोड जो है वो 20 से 23 मिनट का है। मतलब इस सीरीज को ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें कास्ट है दिवेंदु शर्मा, अंशुल चौहान, अभिनव आनंद और बाकी अन्य कलाकार। और मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है रेगुलेशन बॉडी का, जो इन जैसी जो OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज या मतलब मूवीज आती हैं उनके, मतलब जो ये बनाते हैं उनके पिछवाड़े पे खींच के लात मारने वाले, जो ये सिर्फ और सिर्फ वासना के भरोसे और गालियों के भरोसे अपनी सीरीज को लोगों को परोसते हैं। बट क्या है ना, बेचारों के पास कहानी तो होती नहीं है, तो अपना पापी पेट पालने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम कमेंट में क्या लिखने वाले हो, भले गालियां लिखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले इस वीडियो को डिसलाइक करो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी ने इस सीरीज ने मेरा दिमाग का दही कर दिया। मतलब दही की जगह मुझे दूसरा शब्द यूज करना था, बट क्या करूं, ये वीडियो जो है ना काफी लोग देखते हैं, मतलब परिवारजन ही देखते हैं। तो उस सीरीज को क्या कहेंगे जिसे देखते देखते आपको नींद आ जाए, मतलब वो देखने के बाद नहीं उसके दौरान ही आपको नींद आ जाए, तो उस सीरीज को कहते हैं बोरिंग। और ये वही सीरीज है। चलो अब इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक लड़का है अखिल और उसके पिता हैं बाबू, ये दोनों एक ही दुकान में काम करते हैं, मिठाई की दुकान में काम करते हैं। और बाबू जो है वो एक गुंडा मुन्ना नाम का कोई आदमी होता है जिसकी मौत हो जाती है, और बाबू जो है वो उसकी मौत के इल्जाम में कहीं ना कहीं फंस जाता है, बल्कि जो उसने किया नहीं होता किसी और ने किया होता है। सोच रहा हूं आप लोगों को वो बता भी दूं कि किसने उसे मारा है, बट यार उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर बता भी दिया। क्या छोड़ो छोड़ो यार, मैं आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं जाने वाला, बट जिन लोगों का भी आने वाला मैं उसका किसी का भी खराब नहीं करना चाहता। अब अखिल अपने बाप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, एक बार अपने पिता को निकाल भी लेता है, लेकिन पिता उसके जो है फिर से किसी और के खून के इल्जाम में फिर से फंस जाते हैं और उसे फिर निचाल निकालने की कोशिश करता है। इतने में उसके पिता की मौत हो जाती है, मतलब कोई हत्या कर देता है, और ये सब खिचड़ी इसके अंदर दिखाई गई है। अब ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखो यार इसके लिए तो आप लोगों को ये बवासीर ये सीरीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। वैसे एक बात को ना भी देखो ना कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलो इसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अच्छी बात जो थी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी कि इसके अंदर जो 9 एपिसोड 20 से 23 मिनट के, ये तो वही खत्म हो जाती है। अब जो बची बुरी बातें उसका हम विस्तार से बातें करते हैं। जो इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है, यार कितना कमाल का स्क्रीन प्ले है, जिसे देखकर सर में दर्द हो जाता है। और जो इसके अंदर जो साउंड जो दिया गया, मतलब जो वॉइस ओवरलैप की गई है, मतलब कोई इंसान जब वहां पे एक एक्चुअल सीन के ऊपर जो बोल रहा है और जो बाद में जो सीन उसके अंदर जो ऑडियो डाली जाती है, वो साफ तौर पर आप पहचान जाओगे कि ऑडियो जो वो बाद में डाली गई, ना तो उसके लिप्स उससे मिल रहे हैं, मतलब एक अलग से ही वॉइस आ रही होती है। सबसे घटिया पॉइंट, जिसे मतलब एक तरीके से घटिया चीप क्वालिटी कह सकते हो उसे। और जो इसके अंदर जो डायलॉग डाले गए, मतलब तुमको क्या लगता है कि मिर्जापुर गालियों की वजह से हिट होगी, जो इसके अंदर जो डायलॉग थे उसके अंदर गाली डालने से वो हिट होगी, तो तुम्हारी ये सीरीज भी हिट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर तुमने गाली डाल दी। मतलब गाली डालने से क्या उसका बहुत महान डायलॉग बन जाएगा या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमर आ जाएगा। माना कि इस सीरीज के मेकर्स को हगना ही था, बट एक लिमिट से हगना यार। और जो इस सीरीज में जो सस्पेंस और जो मिस्ट्री है वो, मतलब जब खुलती है सामने आती है, तो यार उसको देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता, आंखें बड़ी नहीं हो जाती, उसको देखकर हंसी आती है। अबे क्या सस्ता नशा फूंक के बनाए हो यार। और तो और सबसे बड़ा मजाक तो इसके जोनर में, जहां पर लिखा गया है क्राइम और थ्रिलर। चलो एक बार के लिए इसके क्राइम को जैसे तैसे हजम कर ले, लेकिन थ्रिलर का मतलब भी पता है तुम लोगों को, मतलब क्या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहां रख दिया। ऐसी कौन सी वाहियात, मतलब ऐसी कौन सी सीरीज होती है जिसे देखकर नींद आ जाए, देखकर नहीं जिसे देखते देखते नींद आ जाए, मतलब उसे तुम थ्रिलर कहोगे? शायद इनके मेकर्स को वहां पर बोरिंग लिखना था, ये गलती से थ्रिलर लिख दिया वहां पर। अब रुको, मैं तुम लोगों को इसका अच्छा से एक उदाहरण देता हूँ। इसका एक सीन है जिसके अंदर जो है वो अखिल अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कोर्ट में गवाही दे रहा होता है, उसके सामने जो जज है वो खड़े, तो वो एक मोबाइल अपनी जेब से निकालता है और कहता है कि जज साहब यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें एक गोल्डी नाम का इंसान जो कह रहा है कि उसने कत्ल किया, हालांकि उसकी प्रेमिका ने कत्ल किया। और मतलब वो अपने हाथ में रखकर दूरी वहां खड़ा है, उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई यहाँ भी वो ऑडियो क्लिप किसकी है, कौन चला रहा है किसलिए, मतलब बस मतलब कानून का मजाक बना रखा है वहां पे। और उसकी चीज सुनकर, मतलब वो ऑडियो क्लिप सुनकर जज साहब कहते हैं हाँ भाई इसकी प्रेमिका ने कुछ नहीं किया, इसको आजाद कर दो, रिहा कर दो तुरंत, एक मिनट में उसको निकाल भी देते हैं। ये कहाँ का तुम सस्ता नशा फूंक के बैठे हो, कम से कम महंगा ही फूंक लो, ताकि तुम्हें नींद ही, मतलब नींद ही आई रहे, तुम छोड़ो यार। और जो इंस्पेक्टर है उसकी वाइफ का जो इसके अंदर जो रोल दिखाया गया है कि मतलब वो वासना की पुजारी है, उसको बहुत ज्यादा मतलब जो पोर्न वीडियोस देखती है, फिर वहां पर अपने पति के साथ वो ऐसे अजीब वो चीज वो ट्राई करती है,
उसका क्या मतलब बनता है, वो क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्या ह्यूमर के लिए था, कॉमेडी के लिए था, उसे हंसी आई, नहीं आई भाई, उसे गुस्सा आया, उसे सरदर्द हुआ, उसे, यार तुम कौन हो यार, कौन से देश से आए हो, कहाँ, कौन, मतलब देश छोड़ो यार, कहाँ, कौन से प्लेनेट से आए हो, ये क्या सोचकर तुम लिख रहे हो यार, इससे अच्छा तो कोई कॉपीराइट ही बन जाओ यार, वैसे भी तुम उस चीज में तो माहिर हो, मतलब बवासीर बनाना बंद करो यार। खैर मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 सर, क्योंकि 1% भी मुझे इस सीरीज में कहीं पर हंसी नहीं और कहीं पर भी कोई सस्पेंस नहीं, यार किसने मारा, क्यों मारा, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, बस इसको मैं बस देख रहा था, देख नहीं, इसको मैं झेल रहा था। तो बाकी अगर किसी ने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे पता है कि तुम लोग गाली लिखने वाले हो या फिर तुम डिसलाइक करने वाले हो, बेशक करो, देख आजाद देश है, तुम्हें अपने ख्याल रखने की आजादी है। और जिसको बुरी लगी तो मुझे बता देना यार क्यों बुरी लगी, और बाकी जिन्होंने नहीं देखी तो यार देखो कोई आफत नहीं आई है, तुम जाके इसको देखो, या फिर कोई मतलब दुनिया खत्म नहीं होने वाली कोई आखिरी सीरीज बची है, तुम इसको देख कर ही जाओ भाई, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको देखो, कुछ ज्ञान अर्जित करो, इससे दूर ही रहो, बवासीर चीजों को मत ही देखो जिससे दिमाग खराब हो जाता है। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। Look at the chaos image.